व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, बानोस चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं रमज़ान स्पेशल की वजह से मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब, जो नहायत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। आप ज़रूर बनाइएगा और चलते हैं अब हम इसके अज़ा की तरफ। रीमा बीफ का आधा किलो मैंने लिया है और इसके बाद इसमें मैंने हरा धनिया है, पुदीना है और तकरीबन 7 अदद हरी मिर्चें हैं। एक दरमियानी प्याज को मैंने काट लिया है और ये पीसे मसाले मैंने बना लिए हैं, जिसमें मैंने लहसुन 2 चम्मच डाला है और बेकिंग पाउडर जो है वो आधी चम्मच डाला है, गरम मसाला 1 चम्मच, पीसा धनिया 1.5 चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच और ज़ीरा भुना हुआ 1.5 चम्मच और नमक 1 चम्मच डाला है। ये तमाम अज़ा को हम क़ीमे में मिलाएंगे। व्यूअर्स, हमने क़ीमे में सारे मसाले को मिला दिया है और अब हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने चॉपर में इसको चॉप कर लिया है पूरे क़ीमे को मसाले के साथ। ये बिल्कुल देखें बारीक हो गया है, बिल्कुल बारीक कर दिया है मैंने इसको। अब इसमें हम जो है खाना खाने के जो चम्मच होता है उससे 3 चम्मच घी डालेंगे और घी डाल के इसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए फिर हम इसे रख देंगे। व्यूअर्स, इसमें हमने घी अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको 1 घंटे के लिए हम रख देते हैं। उसके बाद इसमें हम कोयले का धुआं देंगे। व्यूअर्स, 1 घंटा हो गया है कबाब क़ीमे में मसाला लगाए हुए, अब ये कोयला में रखा है मैंने और कोयले का भाप मैं इसमें 2 से 3 मिनट के लिए दूंगी। व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको निकालती हूँ कोयले को इसमें से और इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद फिर हम कबाब बनाते हैं इसके। व्यूअर्स, अब हम कबाब बना रहे हैं इसके, जो मैंने ग्लव्स नहीं पहना है क्योंकि ग्लव्स में ये आसानी से नहीं बन पाएंगे, तो इसको हम अपने हिसाब से और जितना पतला रखना है हम उस हिसाब से इसको उतना पतला रख कर वैसे ही बनाएंगे हम। और इसको फिर हम ये देखें इस तरीके से बनाकर ये अब हम रखते हैं। व्यूअर्स, ये मैंने 5 कबाब बनाए हैं और ये आपको अब मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, चम्मच जो होता है चमचा सालन चलाने वाला, और उसमें मैं इसको डाल के शैलो फ्राई करूंगी। व्यूअर्स, ये धीमी आंच पे फ्राई होगा क्योंकि ये शैलो फ्राई कर रही हूँ और इसको मैं फ्राई करके फ्रीज भी कर सकते हैं हम, तो इसको हम फ्राई हल्का करके और फिर जो है हम लोग इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। हल्का हल्का फ्राई किया हुआ होता है, तो अगर कोई अचानक मेहमान भी आ जाए तो हम इसको फौरन फ्रीजर से निकाल के फ्राई कर सकते हैं। आप ये देखें व्यूअर्स, ये शैलो फ्राई हो गया है, अब मैं आपको डिश ऑफ करके दिखा रही हूँ। व्यूअर्स, ये रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब हमारे तैयार हो गए हैं और ये रमज़ान में भी बड़े शौक से खाए जाते हैं। इसको बहुत आसान है बनाना, आपने देखा कि इसको बनाना कितना आसान है, तो आप हम आसानी के साथ इसको बना सकते हैं घर में और इसको केचप के साथ और मायोनीज के साथ बहुत मज़े से टेस्ट अच्छा देता है ये खाने में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी राय ज़रूर मुझे भेजिए। मेरे चैनल को देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी आपसे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।